वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग सब? हम सब बिल्कुल ठीक है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ। थोड़ी देर ही हुआ है, थोड़ी देर मतलब 5 मिनट हुए। और आज का दिन स्कूल में बढ़िया रहा। नए बच्चे काफ़ी आ रहे हैं तो अलग अलग उनके साथ एक्टिविटीज़ वगैरह करवा रहे हैं और बहुत ही थकाने वाला दिन हो जाता है। मतलब हाफ डे तो ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो घर आके तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है कि कुछ करा जाए, लेकिन घर में भी देखना है। तो मानव गया हुआ है अपने कॉलेज और वो आएगा शाम तक। तो फिलहाल तो अभी मैं बस जस्ट अभी आए हैं और अब मुँह हाथ धो के अपना चेंज करती हूँ और फिर देखते हैं कि खाना वगैरह क्या। और बस फिलहाल तो अभी यही है। तो अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ, जल्दी से खाना खाएंगे फिर। तो खाना खा लिया है, अभी बस चाय रह गई है, मैं चाय पी लूँ और उसके बाद एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। वो अभी हम लोग लेके आए हैं और बहुत ही क्यूट है वो, आप देखोगे तो शायद आपको भी पसंद आ जाए। ओके जी, तो चाय वगैरह सब पी लिया है और अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जिसके बारे में मैं बता रही थी। तो रेडी है आप देखने के लिए? तो ये देखिए, ये कैटल हमारी सबसे पहली कैटल है, चुटकू सी प्यारी सी, बहुत ही सुंदर है। फिर है ये सेकंड नंबर पे, और इसको मैं खोल के दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह का ये डेकोरेटिव आइटम है। ये पूरा पत्थर से बनी हुई है, कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं है, पत्थर से बनी हुई है। और ये तो हमारी है ही, और ये आवाज़ से आपको पता चल गया होगा, आप चाहे तो इसमें एक कप चाय डाल के आराम से पी भी सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ और आपको दिखा रही हूँ, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ना ये अभी हमें स्कूल से आते हुए अचानक ही रास्ते में दिखाई दिया और हमने इसे खरीद लिया। बहुत ही सुंदर लगा। कभी कभी ऐसी कोई चीज़ पसंद मतलब दिखाई देती है। और ये देखो, और ब्लैक में है ना, वाइट में नहीं मिली हमें। हम सोच रहे थे वाइट में मिल जाती, पर वाइट में नहीं मिली तो हमने फिर इसको ही ले लिया। और कप बिल्कुल ऐसे आप आराम से, क्योंकि गर्मियों में तो सब चाय कम पीते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ, मैंने कहा आप इसी में चाय पी लेंगे, है ना। तो छोटे छोटे से कप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके लिए मैं ना सोच रही हूँ, अभी अमित भी कह रहे थे एक ट्रे लेके आएंगे, ट्रे में रखेंगे इसको, पूरा सेट हो गया। और मेरे पास ऐसी ही देखो, ये एक तो ये है, एक ये कैटल है, एक ये हो गई, और पूरा टी सेट भी है जो कि वहाँ ऊपर रखा हुआ है, वो ऊपर रखा हुआ, वो तो फुल टी सेट है। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो टी सेट है बड़ा वाला जो किचन में रखा हुआ है, वो हमने एक दो बार यूज़ करा है। और ये ना हमें बहुत सुंदर लगा, अचानक ही नज़र पड़ी और फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा ले लो, कभी कभी मिलती है ऐसी कोई चीज़, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर ना रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर शाम को है ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठती हूँ मैं, तो उससे क्या होता है ना कि फिर शाम को मुझे नींद आती है। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी तो शाम हो गई है, शाम के करीबन 7 ही बज रहे हैं, देखो अंधेरा हो गया। घर में तो ना मतलब गर्मी लग रही है और बाहर हाँ ठंडा हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो रहा है बाहर ना। एक्चुअली में अब मौसम चेंज हो रहा है, अब गर्मी स्टार्ट हो रही है, मतलब लग रही है अब गर्मी। सुबह तो स्कूल में ना क्लास में तो मेरी हालत ही ख़राब हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह तो जब मैं जाती हूँ तब तो होता है ठंडा और उसके बाद हो जाती है गर्मी, धूप तेज़ होती है। तो यहाँ का वेदर भी चेंज ही हो रहा है, पहले तो ठंड था पर इतना भी नहीं कि हम वो चलाएँ फ़ैन वगैरह ऑफ करें, ऑन करें सॉरी। तो ये देखो अभी तो सब चुप है, थोड़ी देर में देखना शोर मचाना स्टार्ट कर देंगे कि इन्हें जब नींद आएगी ना तो अपने आप को कवर करने के लिए शोर मचाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ना अभी बाहर आई थी और इनकी बर्ड्स की आवाज़ आ रही मुझे, तो जब तक इन्हें शाम हो गई है ना, तो जब तक इन्हें ढकेंगे नहीं तब तक ये शोर मचाते रहेंगे। लगता है इन्हें पता चल गया कि हम लोग हैं तो चुप हो गए हैं।
तो आपने सुन लिया होगा ना कि ये लोग की आवाज़ कर रहे हैं। अभी इससे पहले तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, और जब तक इन्हें ढकेंगे नहीं ना, ऐसे ही चीखते रहेंगे ये इसी तरह से चीखते रहेंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे, अभी तो बहुत धीरे कर दिया। देखो इन्हें कुछ कह रहे हैं, अभी ये पूरी बेडशीट से कवर कर देंगे। अंदर बच्चों की आवाज़ आ रही है, भूख लग रही होगी ना बच्चों को। ठीक है, तो अभी इन्हें अच्छे से पूरा नीचे तक इन्होंने कवर कर दिया, उस साइड से थोड़ा सा खुला रखते हैं। तो आपको भी सुना देती हूँ मैं बच्चों की आवाज़। और बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं बना रही हूँ मटर आलू। मन कर रहा था मटर आलू खाने का, तो मैंने कहा वही बनाते हैं आज। तो बस यहाँ पे मेरी मटर तो सब छिल गई है, ये रही, बाकी तैयारी करनी बाकी है। तो खाना अपना रेडी है, डिनर करते हैं। और गुड़िया ने कढ़ी बनाई थी तो कढ़ी खा रहे हैं, मटर आलू भी मैंने बनाए हैं, लेकिन वो बाद में सुबह में खा लेंगे। तो फिलहाल अभी ये ठंडे होने से पहले ना खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। तो डिनर कर लिया है और सारा काम भी मेरा फिनिश हो गया है, बस अब मैं तो जाके सोती हूँ क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज़, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। और है ना, कल हम लोग गए थे लवी आंटी के घर। लवी आंटी दिल्ली से आ रखी है, और उनके छोटी बेटी और दामाद आ रखे हैं नैनू, और नैनू के ना बेटी हुई है नैना, हम नैनू बोलते हैं उसको, तो ना उसकी बेटी हुई है, और अभी वो 1 महीने की हुई है उसकी बेटी। तो वो लोग उसके बेटी होने के बाद यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, तो कल हम उनसे मिलने गए थे, और उससे पहले भी गए थे एक बार देखने के लिए बच्ची को। तब एक्चुअली में हम सोच रहे थे कि उसको कुछ चीज़ देंगे, लेकिन जो देना चाहते थे ना, वो जिनसे हमें लेनी थी वो भैया थे नहीं यहाँ, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो फिर कल अमित गए हैं और फिर उनसे वो लेके आए। तो कल एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, तो पहले आप वो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाता है कि हमने बच्ची को क्या गिफ्ट दिया, और आप उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को भी देख लीजिए। तो फिलहाल तो अभी मैं और अमित जा रहे हैं लवी आंटी के घर, क्योंकि नैनू आई हुई है और उसकी बेटी हुई है, तो वो पहली बार अपनी बेटी को लेके आई है। हम लोग एक बार मिलके आ गए थे, लेकिन आज हम कुछ उसके लिए, छोटी बच्ची के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं, तो वो हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक कुछ दिया नहीं है। कपड़े वगैरह देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अभी इतना छोटा बच्चा है, अभी कुछ टाइम ही हुआ है, कुछ दिनों की है आई थिंक, या 1 महीने की होगी वो, तो इसलिए ना अभी कपड़े देने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कपड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हम कुछ और लेके आए हैं, और वो क्या लेके आए हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आफ्टरऑल आप ही मेरी फैमिली हो और हर चीज़ आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं। तो हम लोग अभी उसके लिए, छोटी गुड़िया के लिए लेके आए हैं ये, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, क्योंकि अभी बहुत ही छोटी है वो, तो उसके लिए हम ये कड़े लेके आए हैं छोटे से, जैसे वो होते हैं ना नज़रिए, तो ये फ़िलहाल नज़रिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये छोटे छोटे से कड़े हैं सिल्वर के, और बहुत ही प्यारे लगे, बच्चे को कहीं से कुछ चुभने वाला भी नहीं है, हमें तो बहुत अच्छे लगे इसलिए हमने लिए। तो अभी उनके घर चलते हैं और बच्ची को देख के आते हैं, पहनाते हैं उसको, छोटी सी गुड़िया को, और आप लोग भी हमारे साथ ज़रूर चलिए। तो मैं आपको वो छोटी सी बेबी से भी मिलवाती हूँ, और उसको ये पहनाते हुए आपको दिखाते हैं, चलिए। तो अभी हम जा रहे हैं लवी आंटी के घर। और आज है ना मौसम ऐसी हो रहा है, बादल बादल हो रखे हैं, पूरे धूप निकली हुई है। नींद आ रही है।
तो हमने बैंगल्स भी बना दिए चुटकू को। बस बस हाँ नींद आ रही है भाई, बहुत जोर से नींद आ रही है। लो जीप देखो, जीप दिखाओ फिर से, फिर से। वेरी गुड, फिर से दिखाओ। कैमरे देख ली भाई, आजकल के बच्चे ने पता है कैमरा ऑन करो आगे भूल जाती है उनकी नींद। फोन में अभी कुछ भी लगा दो आप, ऐसे ऐसे हम लोग लगाते हैं घर पे, बच्चा लगा देते हैं हम लोग, तो ये इतने ध्यान से सुनते हैं इससे कोई बात कर रहा है। ये लोग क्या करते थे अंजलि ना, तो देखा ना आपने कितनी प्यारी है ना, क्यूट है बहुत ज्यादा, और उसे नींद आ रही थी लेकिन है ना बाद में उसको लिटाया जब दूध पिला के तो फिर जग गई, सोई नहीं फिर तो बहुत ही प्यारी है। और मैं थोड़ा उसका नाम भूल रही हूँ, अभी उसके पापा मम्मी का नेम मिला के उसका नाम रखा गया है, तो अभी मुझे याद आ जाएगा ना, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, अभी मैं बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक ही है, और आपसे मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, डू कमेंट एंड लाइक। Okay, then see you then, bye.